मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने अब निर्णय ले लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 से टिफिन की मांग नहीं करूंगा और ना ही चुनाव लड़ा करूंगा। इसके पीछे की वजह उन्होंने अपने 35 साल के राजनीतिक करियर को बताया है। साथ ही अब यह मन बनाया है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे लाना है। MP के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह बयान छतरपुर पहुंचकर मीडिया को दिया। मंत्री गोविंद सिंह ने मीडिया को अपनी सोच बताते हुए कहा कि मैंने लगातार 35 साल राजनीति की है और अब नए लोगों को मौका देना चाहिए, इसलिए हमने यह मन बनाया है। हमारे इस निर्णय पर किसी का दबाव नहीं है, मगर राजनीति में सक्रिय लगातार बना रहूंगा। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। 35 वर्ष हो गए हैं लगातार। जब चुनाव होगा 2023 में, तो लगातार इतने वर्षों तक एक आदमी करे ना राजनीति में, ठीक नहीं। नई पीढ़ी को भी स्थान मिलना चाहिए। ना मेरे पे कोई दबाव है और ना मेरा कोई दबाव में किसी कारण बस छोड़ा, मना किया। राजनीति में रहूँगा, सक्रिय रहूँगा, पार्टी में काम करूँगा, जो आदेश दे दी वो पूरा करेंगे। लेकिन MLA का चुनाव केवल अब लड़ने के लिए मैंने कहा है कि नए रिवाज लोगों को उसको मौका मिलना चाहिए। शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी 30 साल 28 साल 25 साल में रिटायर होते हैं, तो एक आदमी को बहुत लंबे समय तक लगातार प्रजातंत्र में दूसरों को मौका देना चाहिए। वहीं मंत्री गोविंद सिंह ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग के हिसाब से वह अपने वक्तव्य देती रहती हैं और मोदी प्रधानमंत्री का जो दिखावा है गांधी जी के नाम पर वह नकली है, और अगर असली हो तो प्रज्ञा ठाकुर को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए और संसद में प्रस्ताव लाकर सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, MP के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा दो मुंह सांप की तरह पार्टी है, जिसमें एक मुंह से आलोचना करती है और दूसरी ओर कुछ लोगों को इशारा करते कि इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाओ। प्रज्ञा ठाकुर हमारे क्षेत्र की लाहर की रहने वाली है और हमारे मकान से करीब 100 कदम दूरी पर रहती है उनके परिवार और वो। लेकिन राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रेनिंग उसको दी थी उस हिसाब से, उस ट्रेनिंग के हिसाब से वो अपना वक्तव्य देती रहती हैं। और मोदी जी का जो प्रधानमंत्री का दिखावा है गांधी जी के नाम पर, वो केवल नकली है। अगर असली हो तो प्रज्ञा ठाकुर को तत्काल पार्टी से और निकाल देना चाहिए और संसद में प्रस्ताव लाकर संसद की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। जो राष्ट्रपिता के हत्यारों को महिमा मंडित पार्टी के द्वारा हो रही है, ये सब जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती तभी इस प्रकार की बातें चलती हैं। गौड़से को मंदिर बनाना ग्वालियर में, उनको पूजा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की बात करती है। जिस प्रकार एक सर्प होता है उसके दो मुंह होते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक मुंह से आलोचना करती है और कुछ लोगों को इशारा करती है इस प्रकार की सांप्रदायिकता फैलाओ। छतरपुर से सुशील सेवारी की रिपोर्ट।